दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, दरअसल हम लोग बहुलक के बारे में अध्ययन कर रहे थे और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे संरचना के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण। दरअसल दोस्तों संरचना के आधार पर बहुलक को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, इन सभी के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। राइट, संरचना के आधार पर बहुलक का जो वर्गीकरण होता है ये कैसे किया गया है, और ये भी तीन प्रकार के होते हैं, रैखिक बहुलक, तिर्यक बहुलक, साकेत बहुलक। और यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे रैखिक बहुलक के बारे में, यानी लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर के बारे में दोस्तों हम लोग जिक्र कर रहे हैं, हम लोग सीखेंगे अभी। दोस्तों ये रैखिक बहुलक है क्या, जरा आप समझिए। इन बहुलकों में एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर एक बड़ी तथा श्रृंखला युक्त बहुलक बनाती है। इसके बाद कई सीधी श्रृंखलाएं आपस में एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर एक संतुलित संरचना बनाती, इन्हें रैखिक बहुलक कहते हैं। दोस्तों हमने क्या कहा, इन बहुलकों में एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर एक बड़ी श्रृंखला, आप समझिए, इन बहुलकों में एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर एक बड़ी तथा श्रृंखला युक्त बहुलक बनाती हैं। इसके बाद कई सीधी श्रृंखलाएं आपस में एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर एक संतुलित बहुलक संरचना बनाती, इन्हें रैखिक बहुलक कहते हैं। जैसे दोस्तों एक बहुत उच्च गलनांक कमा उच्च तन्य शक्ति उच्च घन शक्ति वाले बहुलक होते हैं, ये सब रैखिक बहुलक कहलाते हैं। ये उच्च गलनांक उच्च तन्य शक्ति उच्च घन शक्ति वाले, राइट, हमने कहा इन बहुलकों में एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर एक बड़ी तथा श्रृंखला युक्त बहुलक बनाती हैं। इसके बाद कई सीधी श्रृंखलाएं आपस में एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर एक संतुलित संरचना बनाते, इन्हें रैखिक बहुलक कहते हैं। अब दोस्तों यहां पर देखिए, जैसे पॉलिएस्टर है, पॉलिएस्टर है उच्च घनत्व वाले बहुलक, पॉलीथीन नायलान। एक दोस्तों पॉलिएस्टर होता है जो रैखिक बहुलक है, उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन होते हैं और पॉली नायलान होते हैं, ये सब दोस्तों रैखिक बहुलक है। आप देख पा रहे हैं रैखिक बहुलक, यहाँ पर दोस्तों एक लीनियर टाइप है, एक के ऊपर एक ऐसे रैखिक क्रम में बने हुए हैं। तो ऐसे बहुलक को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुलक कहते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है साकेत बहुलक। ये दोस्तों साकेत बहुलक क्या है, जरा इसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। साकेत बहुलक, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। दोस्तों ये ब्रांच्ड चेन पॉलीमर यानी साकेत बहुलक है क्या, डिफिनेशन क्या कहता, पहले इसके बारे में हम लोग समझते हैं। इन बहुलकों में एकलक इकाइयां अनियमित तरीके से संगठित होकर साकेत बहुलक बनाते हैं। हमने कहा दोस्तों इन बहुलकों में एकलक इकाइयां अनियमित तरीके से संगठित होकर साकेत बहुलक बनाती हैं। आप बात साथ समझ पा रहे हैं, इन बहुलकों में दोस्तों जो एकलक इकाइयां होती हैं अनियमित तरीके से संगठित होकर साकेत बहुलक बनाती हैं। ये कम गलनांक कामा कम घनत्व या निम्न प्रबलता वाले होते हैं, राइट। इनका दोस्तों जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है कम होता है, डेंसिटी कम होता है, इनकी प्रबलता भी क्या होती है, कम होती है साकेत बहुलक की। अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं कम घनत्व वाले जैसे पॉलीथीन है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, एमिलोपेक्टिन है, तो दोस्तों ये सब साकेत बहुलक के अंतर्गत आते हैं। आप देख पा रहे हैं साकेत बहुलक, आप देख पा रहे हो दोस्तों ये जो ऐसे जो बहुलक थे इनमें कई शाखाएं फूटी हुई हैं। ऐसे जो दोस्तों बहुलक होते हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, साकेत बहुलक। एक बार और डिफिनेशन को हम लोग रिवाइज करते हैं। यहां पर हमने कहा दोस्तों इन बहुलकों में एकलक इकाइयां, इन बहुलकों में जो एकलक इकाइयां होती है अनियमित तरीके से क्या होते हैं, संगठित होकर साकेत बहुलक बनाती है। इन बहुलकों में जो एकलक इकाइयां होती है अनियमित तरीके से संगठित होकर, एक नियमित नहीं है दोस्तों, ये अनियमित है, किसी भी ब्रांच में इनकी साकेत शाखाएं फैल सकती है, अनियमित तरीके से संगठित होकर पॉलीमर बनाते हैं। ऐसे बहुलक को दोस्तों हम लोग
साकित बहुलक कहते हैं, ब्रांच्ड पॉलीमर कहते हैं, राइट। इसके बाद दोस्तों आता है तिर्यक बहुलक। क्रॉस पॉलीमर्स, हमने कहा तिर्यक बहुलक क्या है, क्रॉस पॉलीमर बड़ा सिंपल डिफिनेशन है। इन बहुलकों में कई रेखीय श्रृंखलाएं परस्पर तिर्यक बंधों द्वारा जुड़कर त्रिविम यानी 3D जालक बना लेते हैं। ऐसे यौगिक में जालक बहुलक भी कम होते हैं। हमने कहा दोस्तों इन बहुलकों में कई रेखीय श्रृंखलाएं परस्पर तिर्यक बंधों द्वारा जुड़कर त्रिविम यानी 3D जालक बना लेते हैं। ऐसे बहुलक को जालक बहुलक भी कहते हैं। और जालक संरचना के कारण दोस्तों ये बहुलक कठोर और भंगुर होते हैं। अब जैसे इनके एग्जांपल है बाइकेलाइड, मैलामाइन, फार्मेल्डिहाइड, रेजिन, यूरिया, फार्मेल्डिहाइड। और ये दोस्तों जो आप देख पा रहे हैं ये तिर्यक बहुलक की एक शाखा है। तिर्यक बहुलक कुछ ऐसी होती हैं यानी क्रॉस पॉलीमर की ऐसे स्ट्रक्चर होता है। और इसके बाद दोस्तों हम लोग अगले वीडियो लेक्चर मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर, धन्यवाद।